हे वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो चैप्टर 2 है फिजिक्स का। तो फ्रेंड्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं फोर्स क्या होता है। सिंपली फ्रेंड्स, फोर्स क्या है? फोर्स फ्रेंड्स एक्चुअली में पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स। फ्रेंड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी बॉडी पर अगर पुशिंग का हो रहा है या पुलिंग हो रहा है, तो फ्रेंड्स हम उसको कहेंगे फोर्स। फ्रेंड्स, ये जो है सिंपल वन लाइन डेफिनेशन है फोर्स का, पुश और पुल ऑन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। एक्चुअली में फ्रेंड्स, अब फोर्सेस जो होते हैं ये हमारे सराउंडिंग्स में चारों तरफ होते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो है रोज़ की एक्टिविटीज़ में वी परफॉर्म फोर्सेस मैनी टाइम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हम खींच रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ों में फोर्स का ही यूज़ होता है। फ्रेंड्स, एक्चुअली में हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो फोर्स से घिरी हुई होती हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, आई एम यूजिंग माई पेन टू राइट ऑन दिस कॉपी, सो हियर द फोर्स इज एक्टिंग। फ्रेंड्स, इस पेन से मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ भी फोर्स एक्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये फोर्स है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, फोर्स एक्चुअली में क्या क्या कर सकता है, और सिंपली फ्रेंड्स इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं फोर्सेस के। तो फ्रेंड्स, इसको हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। तो फ्रेंड्स, ये जो फोर्स होता है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में जो है मूवमेंट ला सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा जाता है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। सेकेंड पॉइंट फ्रेंड्स, फोर्स जो होता है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फ्रेंड्स, इसको ध्यान से आप देखेंगे तो ये एक दूसरे का अपोजिट लगेगा, फ्रेंड्स, अगर कोई भी बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसमें फोर्स मोशन ला सकता है, और ये अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को वो रोक सकता है। फ्रेंड्स, जस्ट अपोजिट है। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स जो इसमें आता है, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, फोर्स जो होता है वो स्पीड को चेंज कर सकता है। तो सिंपली फ्रेंड्स, अगर फोर्स स्पीड को चेंज कर सकता है तो ये भी कंसीडर किया जा सकता है, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में फ्रेंड्स, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, फोर्स जो होता है कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स 5 पॉइंट्स लिखे गए हैं, चलिए हम इनको थोड़ा एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम एक फुटबॉल वाला एग्जांपल लेते हैं। सपोज फुटबॉल जो है किसी ग्राउंड में रखा हुआ है और आप उसको किक कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि वो इनिशियली जो है रेस्ट पोजीशन में था, मींस वो स्टेशनरी पोजीशन में था, जैसे ही आप उसको किक करते हैं वो मोशन में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या फर्स्ट पॉइंट इसमें प्रूफ होता है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। अगर कोई स्टेशनरी बॉडी है तो फोर्स उसको मूव कर सकता है। फ्रेंड्स, जैसे ही हम फुटबॉल को किक करते हैं उसमें मोशन आ जाता है। सेकेंड पॉइंट फ्रेंड्स,
इसको भी हम फुटबॉल वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं या फिर फ्रेंड्स क्रिकेट में जो है इसको समझ सकते हैं। अगर कोई बैट्समैन जो है बॉल को किक करता है और कैच कोई लेता है, तो फ्रेंड्स वो मूविंग ऑब्जेक्ट जो बॉल है वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, कैच लेते ही स्टेशनरी पोजिशन में आ जाता है। तो फोर्स जो होता है फ्रेंड्स वो किसी भी मूविंग बॉडी का क्या कर सकता है, रोक सकता है। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। फोर्स फ्रेंड्स स्पीड चेंज कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस थर्ड पॉइंट को समझने के लिए हम जो है ये बाइसिकल वाला एग्जांपल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स बाइसिकल में क्या होता है कि अगर सपोज भी हम किसी एक नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो हम जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा स्पीड चेंज होता है। ब्रेक्स एक्चुअली ब्रेक्स है क्या फ्रेंड्स, ब्रेक्स एक तरह का फोर्स होता है फ्रेंड्स, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स फोर्स जो है डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, कैसे फ्रेंड्स, ये तो क्रिकेट वाला एग्जांपल आप इस पे ले सकते हैं। फ्रेंड्स जब बॉलर जो है बॉल को थ्रो करता है तो बैट से किक करके जो है हम उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं बॉल का, क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स इसको समझने के लिए हम स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। फ्रेंड्स जो स्प्रिंग होता है उसको अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो फ्रेंड्स उसका शेप और साइज चेंज होता है। या फिर फ्रेंड्स में बैलून का एग्जांपल आप ले सकते हैं, उसको जब आप प्रेस करते हैं फ्रेंड्स उसका शेप और साइज चेंज होते रहता है। तो फ्रेंड्स ये पांच इफेक्ट्स होते हैं जनरली फोर्स के, जो मैक्सिमम यूजेस होते हैं, जिनका यूज़ मैक्सिमम होता है। तो फ्रेंड्स ये इनका हो गया इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। अब फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ फोर्स हम देख लेते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस फ्रेंड्स, ये इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स, ये सारी चीज़ें जो है एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स टाइप ऑफ फोर्सेस में क्या होता है, टाइप ऑफ फोर्सेस में फ्रेंड्स हमें बेसिकली दो तरह का फोर्स यहाँ पढ़ना है। फ्रेंड्स पहला पढ़ना हमें बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा है फ्रेंड्स अनबैलेंस्ड फोर्स। और फ्रेंड्स बैलेंस्ड और अनबैलेंस, जैसा कि नाम से लग रहा है, बैलेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक्चुअली में इक्वल इन अमाउंट कह सकते हैं। अनबैलेंस का मतलब नॉट इक्वल इन अमाउंट। तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं बैलेंस्ड फोर्स को डिटेल में। बैलेंस्ड फोर्स फ्रेंड्स लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ इसको बताइए। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो फ्रेंड्स बैलेंस्ड फोर्स होता है फ्रेंड्स, इसको डिफाइन किया जाता है, इफ द रिजल्टेंट, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इस जीरो, द फोर्स इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्स। फ्रेंड्स बैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। तो फ्रेंड्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है जिस पे जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो जीरो हो, या फिर आप ये कह लीजिए जो नेट फोर्स उस पे अप्लाई हो रहा है वो जीरो हो जाए, इस तरह का अगर कोई फोर्स है तो उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। फ्रेंड्स यहीं से कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, भाई हम तो सिर्फ दो टाइप का फोर्स पढ़े हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, और डेफिनेशन में कहा जा रहा है इफ ऑल द फोर्सेस। अब फ्रेंड्स यहाँ ऑल द फोर्सेस का क्या मतलब है, तो फ्रेंड्स इसको हम डिटेल में समझते हैं एग्जांपल से। तो फ्रेंड्स एग्जांपल हम देखेंगे, तो इसको समझने के लिए फ्रेंड्स हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। सपोज फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्ट है, कोई एक ब्लॉक है फ्रेंड्स, ब्लॉक ऑफ वुड आप सपोज कर लीजिए, ब्लॉक ऑफ वुड है। और फ्रेंड्स ये जो है हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, क्लियर है फ्रेंड्स, ये ग्राउंड है। फ्रेंड किसी भी ऑब्जेक्ट पे जनरली दो फोर्सेस हमेशा एक्ट करती हैं फ्रेंड्स। पहला जो फोर्स होता है वो नीचे की तरफ होता है, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
सेकेंड फोर्स जो होता है फ्रेंड्स, वो इसके अपोजिट में होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल करता है, जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन। फ्रेंड्स ये चीज़ें आगे और क्लियर होंगी जब हम लॉज ऑफ मोशंस पढ़ेंगे, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशंस। और फ्रेंड्स सपोज यहाँ से जो है हम पुलिंग और पुशिंग कर रहे हैं, पुल और पुश। फ्रेंड्स जब हम इधर से पुल और पुश करेंगे तो फ्रेंड्स इधर से ये फोर्स अप्लाई होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन। तो फ्रेंड्स फ्रिक्शन को भी हम आगे पढ़ेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं तो फ्रेंड्स वो फोर्स जो उसके मोशन को रोकता है, फ्रेंड्स द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन फोर्स। कोई भी फोर्स फ्रेंड्स अगर वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को रोक रहा है, उसके मोशन को स्लो कर रहा है, स्पीड को डाउन कर रहा है, तो फ्रेंड्स इस तरह का जो फोर्स होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो फ्रेंड्स हियर वी आर डिस्कसिंग अ बैलेंस्ड फोर्स, नाउ कम ऑन द पॉइंट। सो फ्रेंड्स कहा गया डेफिनेशन में, इफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए चार तरह का फोर्स लग रहा है फ्रेंड्स, ये दो फोर्सेज होते हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल होते हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन ये उठता है, पुल और पुश या फ्रिक्शनल फोर्स। सपोज फ्रेंड्स ये जो वुड है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 100 न्यूटन का फ्रेंड्स फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और फ्रेंड्स जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी 100 न्यूटन का ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा फ्रेंड्स। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फ्रेंड्स जितना फोर्स मैं उसको मूव करने में लगा रहा हूँ उतने ही फोर्स से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको रोक रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, मूव होगा? नहीं होगा। और फ्रेंड्स यही जो केस है इसी केस को कहा जाता है बैलेंस्ड फोर्स। तो फ्रेंड्स देखिए चारों तरफ जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल हैं, ये दोनों अपोजिट हैं फ्रेंड्स, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों अपोजिट हैं ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेट फोर्स क्या बचा हमारे पास, नेट फोर्स फ्रेंड्स क्या हो गया, जीरो हो गया। फ्रेंड्स इसको और क्लियर करते हैं, नेट फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या? तो फ्रेंड्स देखिए ग्रेविटी, ये फ्रेंड्स अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक निगेटिव होगा क्योंकि फ्रेंड्स डायरेक्शन चेंज है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन, प्लस पुल, पुल और पुश जो भी हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, माइनस फ्रिक्शन। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने कहा है ग्रेविटी और फोर्स ऑफ रिएक्शन ये बहुत इक्वल होते हैं, इक्वल होंगे तो फ्रेंड्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस के सिंबल से। पुल और पुश फ्रेंड्स इसको हम सपोज किए हैं क्या, 100 सपोज किए हैं और फ्रिक्शन भी 100 है। तो फ्रेंड्स ये वो केस है जब ये सारे फोर्सेस कट के जीरो हो जाते हैं, और इसी को कहा जाता है फ्रेंड्स बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है फ्रेंड्स? तो बैलेंस्ड फोर्स फ्रेंड्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर जो सारे फोर्सेस का जो नेट फोर्स हम निकाल रहे हैं अगर वो जीरो आता है तो इस तरह के फोर्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। एक्चुअली में फ्रेंड्स इसको हम समझते हैं, सपोज एक वॉल है आपके घर की वॉल है फ्रेंड्स, और उसको आप पुश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब आप उसको पुश करेंगे तो उसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इट मीन्स फ्रेंड्स जो फोर्स आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं वो भी उतना ही फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई उस पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है। इट मीन्स क्या है फ्रेंड्स, बैलेंस्ड फोर्स है। तो फ्रेंड्स बैलेंस्ड फोर्स एक कंक्लूजन बार बार निकल कर आ रहा है कि बैलेंस्ड फोर्स अगर अप्लाई होता है तो बॉडी क्या होगी, हमेशा रेस्ट में होगी। अ बॉडी विल नेवर मूव इफ द फोर्सेज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड फोर्स। तो फ्रेंड्स बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कभी भी मूव नहीं करेगा, हमेशा क्या होगा फ्रेंड्स वो स्टेशनरी पोजीशन में हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स कभी कभी फ्रेंड्स 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज हियर और आप उस पर क्या कर रहे हो, बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है आप उस पर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो क्या इफेक्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो मैं पहले ही दे दिया हूँ, बस थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। एक्चुअली में क्या होगा,
पहले से वो स्टेशनरी था, अभी भी वो स्टेशनरी ही रहेगा, क्योंकि क्या है फ्रेंड्स, हम उस पर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बैलेंस्ड फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं ला सकता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो बैलेंस्ड फोर्स उसको स्टॉप भी नहीं कर सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स, ऊपर हमने ये इस बात को कहा है कि जो बैलेंस्ड फोर्स होता है ये बॉडी हमेशा रेस्ट पोजीशन या स्टेशनरी पोजीशन में होता है। बट फ्रेंड्स, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस पर हम बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वो ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में ही रहेगा। मीन्स फ्रेंड्स, नेट फोर्स क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है उसी स्पीड से मूव करेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, तो फ्रेंड्स अनबैलेंस्ड फोर्स आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स इसका जो डेफिनेशन बनेगा, इफ द रिजल्टेंट, सेम फ्रेंड्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इस Not equal to zero. It's not equal to zero. Friends, just balanced का अपोजिट है ये अनबैलेंस्ड फोर्स। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो। फ्रेंड्स अगर रिजल्टेंट जीरो नहीं हो रहा है तो उस केस में हम क्या कहेंगे? जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो सारी अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से होती हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से होती हैं। फ्रेंड्स बैलेंस्ड फोर्स में अगर आप एग्जांपल देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये ब्लॉक वाला एग्जांपल आप दे सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? और अनबैलेंस्ड फोर्स में भी फ्रेंड्स ये ब्लॉक का ही एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। बट फ्रेंड्स यहाँ पर जो ब्लॉक होगा वो हमारा ब्लॉक जो क्या होगा? कार्डबोर्ड बॉक्स होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? वो हमारा कार्डबोर्ड बॉक्स होगा। तो फ्रेंड्स ये कार्डबोर्ड बॉक्स है हमारा, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स दो फोर्सेस लगने हैं, एक नीचे एक ऊपर, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और ये होगा फ्रेंड्स रिएक्शन फोर्स, ये फ्रेंड्स होगा पुश और पुल, और ये होगा फ्रेंड्स फ्रिक्शन। क्लियर है फ्रेंड? ये होगा फ्रिक्शन। अब फ्रेंड्स अगर सपोज एक कार्डबोर्ड बॉक्स है उसको आप पुश कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो इजिली मूव हो जाएगा। इजिली मूव हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? कि अगर आप 100 न्यूटन का पुल और पुश फोर्स लगा रहे हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है वो समथिंग 30 न्यूटन का हो रहा है या 50 न्यूटन का हो रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा अप्लाइड फोर्स से कम होगा। इट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा। ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो फ्रेंड्स अब हम इसका रिजल्टेंट अगर देखेंगे 100 माइनस 30 तो फ्रेंड्स 70 आएगा, या अगर फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन का है तो फ्रेंड्स 50 न्यूटन आएगा। तो क्या हुआ फ्रेंड्स? नेट फोर्स जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा फ्रेंड्स। नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, इट मीन्स फ्रेंड्स व्हाट? द फोर्स इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स। नेट फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इस तरह के फोर्स को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। तो फ्रेंड्स ये क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो फ्रेंड्स अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फ्रेंड्स आप ये बाइसिकल राइडिंग कर रहे हैं तो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं वो भी अनबैलेंस्ड फोर्स है फ्रेंड्स, या फिर फ्रेंड्स किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव कर रहे हो वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, बैट से फ्रेंड्स आप बॉल को किक कर रहे हो तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो फ्रेंड्स ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में ही हमको मैक्सिमम यहाँ पे स्टडी करना है। तो क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स थ्री लॉज ऑफ मोशन होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।